हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की जो रेमेडी है, आप देख के हैरान हो जाओगे इसके रिजल्ट्स देख के। सिर्फ 7 डेज तक करो, 7 डेज में आपके चेहरे की रंगत को निखार के न रख दिया, जो भी प्रॉब्लम से चेहरे की वो उतारना आती है, तो मुझे कमेंट जरूर शेयर कर सकते हो। इतनी अमेजिंग है तो प्लीज़ वीडियो को खूब सारा लाइक जरूर देना, शेयर करना इस वीडियो को, चैनल को प्लीज़ पहले बार देख रहे हो सब्सक्राइब करो, ऑलरेडी किया है तो थैंक यू सो मच। इंस्टा पर भी जरूर फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने मुल्तानी मिट्टी ऐड करना है, जैसे कि पत्थर टाइप में भी होती है, तो उसको भिगो के आप यूज़ कर सकते हो। और पाउडर भी होती है, ठीक है, पाउडर 1 चम्मच ऐड करना है, 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर, यानी कि संतरे को छिलकों को अच्छे से घर पे सुखा के भी उसकी पाउडर बना सकते हो। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच संतरे की जो ऑरेंज पील पाउडर, और उसके बाद आपने कच्चा दूध हो पकी हुई दूध हो जितना आपको बनाने के लिए चाहिए वो आपने ऐड करना है दूध। उसके बाद 1/2 चम्मच जितना आपने चावल का आटा ऐड करना है, 1 विटामिन की कैप्सूल, विटामिन की कैप्सूल नहीं है तो आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने ग्लिसरीन ऐड करना है, 1/2 चम्मच जितना आपने ग्लिसरीन ऐड करना है, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मैं सभी चीज़ की इंग्रेडिएंट्स के नाम मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दूंगी, ठीक है। इन सभी की कॉम्बिनेशन ना आपकी रंगत को, आपके चेहरे को बदल के रख देगा। हर कोई पूछेगा कि क्या लगाया हुआ है, चेहरे इतनी ग्लो, इतना साफ, इतना क्लीन एंड क्लियर, इतना फेयर लगेगा ना, आप देखते रह जाओगे। गाइस, चमकदार स्किन चाहिए, लाइटन चाहिए, ब्राइटन चाहिए स्किन पे, बहुत ही ज़्यादा वाइटिंग चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम है, दाग धब्बे, कालापन है, डल स्किन है, सब खत्म होते हुए आप नज़र आए आपको, तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ करो। तो इसको जस्ट अप्लाई करो और इसको कम से कम 4-5 मिनट के लिए अपनी स्किन को हल्के हाथों से मसाज करो। मसाज करने से क्या होता है, आपकी जितने भी डेड लेयर है और जितनी भी गंदगी है स्किन पे, वो सभी चीज़ निकल जाती है, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से अपने 4-5 मिनट के लिए करो। उसके बाद इसी पैक को अपने अप्लाई पूरे चेहरे पे करके कम से कम 15-20 मिनट के लिए रखना है। मुल्तानी मिट्टी आपकी चेहरे की रंगत को ऐसे बदलता है, इतनी अच्छी तरीके से जवान बनाता है, चेहरे की पोर्स को क्लीन करता है, स्किन को वाइट करता है, झुर्रियों झाइयाँ को हटाने के लिए मदद करता है, ग्लो इफेक्ट ऐड करता है, इवन आपकी चेहरे को क्योर करता है, इतना अच्छा बनाता है। और ऑरेंज पाउडर दाग धब्बे को हटाता है, कालापन को हटाता है, पिंपल्स को, ऑलरेडी पिंपल्स है उसको ठीक कर देता है, और प्रिवेंट जितने भी पिंपल्स आने वाली है उसको रोक देता है, और आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करता है, कालापन को दूर करता है, इतनी अमेजिंग रखता है। गाइस, दूध आपको मॉइस्चराइज रखता है, दूध आपको वाइटिंग फीचर्स ऐड करता है, लाइटन करता है, स्किन को ब्राइट अप करता है। चावल का आटा को पता ही है वाइटिंग फीचर्स, लाइटिंग फीचर्स, ये सभी फीचर्स की वजह से आपके चेहरे की रंगत कैसे बदल के रख देता है आप सोच भी नहीं सकते हो। गाइस, विटामिन ई आपकी चेहरे की जितने भी सेल्स है उसको डैमेज होने नहीं देता है, जितनी भी हानिकारक चीज़ें उसको बचा के रखता है, और आपके चेहरे पे एक प्रोटेक्शन का लेयर क्रिएट करता है स्किन पे, इवन आपकी चेहरे पे एक ग्लोइंग मॉइस्चराइज भी ऐड करता है, और चेहरा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम, बेहद फेयर रखता है, कालापन को भी दूर रखता है। ग्लिसरीन आपकी चेहरे की जितने भी क्रैक चेहरे पर चुका है उसको भर देता है, स्किन की जितने भी ज़्यादा डल है उसको हटा देता है, सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चराइजर बनाता है, इवन आपके चेहरे पे ग्लो ऐड करता है। ग्लिसरीन आपके चेहरे पर एक प्रोटेक्शन का लेयर क्रिएट करता है, जैसे कि बाहर की कोई भी हानिकारक चीज़, जितनी भी चीज़ें वो आपके चेहरे तक आने नहीं देता है, रोक देता है। तो गाइस, एक बार डेफिनेटली इसको करो, 15-20 मिनट रखो, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करो, चेहरे देखो, 7 डेज तक जरूर करो, उसके बाद भी कंटिन्यू आप रख सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।